मेरे चैनल श्रीश में आप लोगों का स्वागत है। फ्रेंड, मैं आज आप लोगों को दिखाने वाली हूँ आलू की चटपटी तीखी सी चाट बनाना। क्या है कि इस लॉकडाउन के टाइम में हमारा बाहर का खाने का मन होता है और कुछ चटपटा तीखा सा तुरंत स्नैक्स की तरह से, तो हम इस तरह से चटपटी चाट को अपने आलू की तुरंत बनाकर खा सकते हैं। इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है, ये फटाफट से जल्दी से तैयार हो जाती है और कम इन्ग्रीडियंट्स में। तो चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं फटाफट से वीडियो। उबाल के छील लिए हैं, अब इनको मैं छोटे छोटे पीसेस में काट लूंगी। जैसे हम नॉर्मली काटते हैं वैसे काट लेंगे, फिर उनकी चाट तैयार ये करेंगे। छोटे छोटे पीसेस में काट लिए हैं अपने आलू, खाए थे उबले हुए आलू थे उनको मैंने काट लिया है। अब इसके अंदर फिर मैं डालूंगी थोड़ी सी टमाटर की चटनी। मेरे पास टमाटर की चटनी बनाई है, अगर आपके पास धनिया पुदीना किसी की भी चटनी है तो आप इसमें डाल सकते हैं, और नहीं है तो स्किप भी कर सकते हैं हम इसको। फिर इसके बाद हम डालेंगे अपने थोड़े से मैंने कटे हुए टमाटर रख लिए हैं, अगर आपके पास हैं तो ठीक है डाल दीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं, हम स्किप भी कर सकते हैं। और टमाटर नहीं है तो फिर आप उसकी जगह नींबू का थोड़ा सा रस, दो चार बूंद डाल सकते हैं टमाटर की जगह, अगर टमाटर नहीं है हमारे पास वो डाल सकते हैं। और अगर वो भी नहीं है हमारे पास, जैसे कि टमाटर भी नहीं है नींबू भी नहीं है कटा हुआ, तो फिर ये अमचूर पाउडर थोड़ा थोड़ा सा लेकर के पानी में घोल लीजिए, 2 चम्मच पानी में थोड़ा सा, और उसको फिर हम अपने आलूओं में मिक्स कर लेंगे। एक्चुअली इनका काम केवल ये है कि हमें थोड़ा सा खट्टापन ऐड करना है अपने आलूओं में, चाहे टमाटर डालें नींबू डालें, और ये नहीं है तो फिर ये खटाई पिसी खटाई अमचूर पाउडर पानी में थोड़ा सा घोल के डालें, तो थोड़ा सा ड्राइनेस खत्म होती है सूखापन आलूओं का, और थोड़ा खट्टापन भी आ जाता है। बस इसलिए इसमें टमाटर डाल दिया था, थोड़ा सा नींबू डाल दिए 2 4 बूंद, और उसके बाद मैं इसमें कटे हुए प्याज डाल दूंगी, थोड़े से कटे हुए प्याज। फिर इसके बाद हम इसमें कटी हुई हरी मिर्च थोड़ी सी डाल दें, मैं थोड़ी सी ही डाल रही हूँ क्योंकि मेरे यहाँ ज़्यादा नहीं खाई जाती है। अगर आपके यहाँ खाई जाती है और आपके पास है चटपटा तो आप डाल सकते हैं ज़्यादा, मैंने थोड़ी सी ही डाली है, इसके बाद ये ऑप्शनल है। अब हम डालेंगे इसमें नमक वगैरह, तो फ्रेंड थोड़ा सा ही नमक डाल रही हूँ मैं, थोड़ा सा स्वाद अनुसार, ज़्यादा नहीं, हिसाब से हम डाल लेंगे। नमक डाल लिया मैंने, अब उसमें मैं डालूंगी थोड़ी सी थोड़ी सी लाल मिर्च। मैंने बताया ना मैं ज़्यादा नहीं चटपटा खाया जाता, तो मैंने चटपटा ज़्यादा नहीं डाल रही हूँ, थोड़ी सी हल्की सी भुरक दी इसमें भुना है। फिर इसके बाद मैं भुना जीरा पाउडर, थोड़ा सा भुना जीरा पाउडर डालूंगी, मैंने डाल दिया। इन सबको हमें अच्छे से मिक्स करना है, मिक्स हो जाए। हमारे पास इस तरह के अगर सेव हैं जो पीले वाले नहीं है, बेसन के सेव होते पतले वाले दाल मठ वगैरह में डलते हैं, तो हम उसको डाल देंगे, और नहीं है तो कोई बात नहीं है, फिर हम इस तरह के ये जो होते हैं अपने ये आलू भुजिया, हल्दी रंग की जो आलू भुजिया होती है उसको डाल देंगे इस तरह। तो मैं इसमें आलू भुजिया ही डाल दी, दोनों ही डाल देती हूँ, अब दिखा देती हूँ आपको। देखिए मैंने आलू भुजिया थोड़ा सा चटपटा सा फ्लेवर आ गया, और ये जो मैंने पहले दिखाए थे आपको उसमें वो थोड़े से डाल दिए, नहीं है तो किसी और तरह की हमारे पास दाल मोट होती है कई तरह की वो डाल देते हैं, तो थोड़ा अलग सा क्रंची सा टेस्ट आ जाता है इसमें। ये मैंने इसमें थोड़ा ऐड कर देती हूँ, मेरे यहाँ ज़्यादा ही खाए जाते हैं ये।